साथियों, ये है हमारी घटनाचक्र दृष्टि की अगली टेस्ट सीरीज। आपका जो एग्जाम होने वाला है साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए हमने यह घटनाचक्र की अपनी अगली टेस्ट सीरीज लाया है। यह टेस्ट सीरीज साथियों हमारा जीएस से है, सामान्य अध्ययन की यह टेस्ट सीरीज है हमारी, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। घटनाचक्र के बारे में आपको मालूम होगा, यह बहुत ही विश्वसनीय और भरोसेमंद टेस्ट सीरीज है। साथियों, इसके पहले हम लोग 4 टेस्ट सीरीज कर लिए हैं घटना चक्र की, और आज की हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है, यह यूपीपीसीएस की 5वीं टेस्ट सीरीज है और जीएस की है। साथियों, बहुत बेहतरीन होगा, इसमें एक से बढ़कर एक प्रश्न रखे गए हैं और बिल्कुल बैलेंस तरीके से प्रश्न को बनाया गया है। जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आते हैं आपके यूपीपीसीएस के जो सिलेबस होता है उसको ध्यान में रखकर इसमें सारे के सारे प्रश्न बनाए गए हैं। साथियों, 150 प्रश्नों की यह हमारी प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र की, और इसमें एक से बढ़कर मैंने बताया ना कि जो प्रश्न रखे गए हैं इसमें, तो एक तो वो पिछले जो 8-10 साल में जो लगातार प्रश्न, कोर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके आने की संभावना अधिक है, एक तो ऐसे प्रश्न है, और दूसरा ऐसे प्रश्न है जो करंट मुद्दों से संबंधित है, यानी करंट से जोड़कर जो जीएस बन सकता है उसको है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर हमारा प्रश्न बना है, बहुत बेहतरीन होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की हमारी यह 5वीं टेस्ट सीरीज, देखते हैं घटना चक्र की क्या है। तो देखते हैं ये हमारा, ये पहला प्रश्न क्या है साथियों हमारे, इसमें पहला हमारा एसडीजी से है। देख रहे हैं एसडीजी, जितने भी टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व किए होंगे उसमें एसडीजी से सवाल आपको जरूर मिला होगा। तो एक तरफ इसमें दिया है सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी, और दूसरा दिया है संबंधित, उससे संबंधित विषय क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, पहले थोड़ा सा मालूम कर लेंगे, बेस बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। तो साथियों, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा किया और कहा कि इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को 15 साल में यानी 2030 तक हम प्राप्त करेंगे। तो यानी इन 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्त करने की जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, तो 17 में क्या है था? याद करने का एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, जो पहला है, सबसे पहला एसडीजी, तो पहला एसडीजी में क्या कहा गया है साथियों, गरीबी खत्म करने की बात कही है। आप सोचो, गरीबी खत्म हो जाएगी तो इंसान की भूखमरी जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो दूसरा भूखमरी से है, भूखमरी खत्म हो जाएगी साथियों तो इंसान स्वस्थ हो जाएगा। तो तीसरा स्वस्थ से है, और स्वस्थ हो जाएगा तो शिक्षा की ओर बढ़ेगा। तो चौथा शिक्षा से, ऐसे ऐसे करके इसका ट्रिक होता है याद करने का, मैं बताया हूं पिछले वीडियो में भी। तो यहां पर साथियों, जो मैं थोड़ा सा इसको कट करके फिर से आपको बताता हूं अच्छे से, तो ये हमारा सतत विकास लक्ष्य हो गया और उससे संबंधित विषय हो गया। अब यहाँ जो हमारा 16वां है एसडीजी 16 शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान की बात करता है, और 12वां जो है उत्तरदायी भोग एवं उत्पादन की बात करता है, और 11वां जो है सतत शहर एवं समुदाय की बात करता है, ये एक पर चलाएगा, और SDG 3 जो है असमानताओं में कमी करने की बात करता है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ कौन सा जो है सेट तैयार हो रहा है, ए वाला 2 पर, बी वाला 1 पर, और सी वाला 3 पर, डी वाला 4 पर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें हैं। इसमें हमारा कह रहा है, ये फैक्चुअल सवाल है, ये कह रहा है हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है। साथियों, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये लोग भूमिगत तना होता है, जो तना ऊपर होता है और जो एक तना भूमि के अंदर होता है, तो वही भूमिगत तने का एक उदाहरण होते हैं, हल्दी हो गया, अदरक हो गया। तो कह रहा है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी भूमिगत तने का जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। राइजोम को हिंदी में साथियों प्रकंद कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे तो जो हल्दी अदरक होती है ये भूमिगत तने का तो उदाहरण है, इसे क्या कहते हैं, तो राइजोम कहते हैं यानी प्रकंद कहते हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं एक कंसेप्चुअल सवाल है यहां पर हमारे पास, कह रहा है तीसरा में,
दो ठो कथन दिया है, यहाँ पर दो कथन दिया है, कह रहा दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिएगा। तो आप जब पहला कथन पढ़ेंगे साथियों, इसमें कह रहा है कि मन्नार की खाड़ी में तटीय या सीमांत प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो मन्नार की खाड़ी में तटीय या प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, यस साथियों बिल्कुल सही जवाब। मन्नार की खाड़ी आप लोग जानते होंगे, ये जैसे भारत हो गया और यहाँ श्रीलंका हो गया, इसके महद यहाँ जो रामेश्वरम यहाँ द्वीप है, तो यहाँ पर पाक की खाड़ी है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है दक्षिण साइड में। तो ये चीजों याद रखिएगा, मैप में देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ये हो गया, ये तो सही है। दूसरा में कह रहा है लक्षद्वीप में एटाल प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। जी बिल्कुल सही जवाब, लक्षद्वीप में एटाल प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर, ये विकल्प, ये कथन दो सही है, यानी सी सही होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे सत्य हैं। आगे बढ़े हम लोग, तो अगला हमारा चौथा क्या कह रहा है। चौथा साथियों कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ICT विकसित की जाएगी। तो किस शहर में देश की पहली AICT यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जाएगी, वो कौन सा शहर है। तो साथियों लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा ये सत्य होगा। तो इसका लक्ष्य जो रखा है 5 साल में, 5 वर्ष में इसका लक्ष्य रखा गया है, 5 साल में AICT विकसित किया जाएगा। आगे हम लोग देखें पांचवे में क्या कह रहा है साथियों। देखें पांचवे में यूपी से संबंधित ये भी सवाल है, इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किन दो स्थलों के मध्य की गई है। तो किन दो स्थलों के मध्य उत्तर प्रदेश के राज्य में पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा जो है प्रदान शुरू की गई है, तो किसके किसके मध्य। तो साथियों ये आगरा और मथुरा के बीच, आगरा का ये बटेश्वर और मथुरा का गोवर्धन के बीच ये अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, इन्हीं दोनों स्थलों के मध्य। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, याद रखिए आगरा में, ये आगरा का बटेश्वर और मथुरा का गोवर्धन। आगे बढ़े हम लोग, क्या कह रहा है हमारे छठवें में। देखे साथियों छठवें में हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए बृहत पोषक तत्व है। तो साथियों बृहत पोषक तत्व पूछ रहा है, पोषक दो टाइप के होते हैं, एक बृहत पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहत पोषक तत्व नहीं है, बृहत पोषक तत्व नहीं है यानी ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे तो कार्बन भी बृहत पोषक तत्व है, सल्फर भी है, फास्फोरस भी होता है, ये सब बृहत पोषक तत्व तो होते हैं, जबकि यहाँ आयरन जो है, आयरन तो आयरन ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो है यानी बृहत पोषक तत्व तो नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, सातवां में देखते हैं क्या है। सातवां में साथियों कह रहा है कि कथन दो ठो दिया है, पढ़कर सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। अगर पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है साथियों, जी बिल्कुल सही बात साथियों, अपचयन होता है CO2 का, और H2O का जो होता है उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर दोनों के दोनों बातें सही हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में H2O का उपचयन होता है, तो दोनों बातें यहां पर हमारी सही हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, एक और दो दोनों सत्य हैं। आगे बढ़े हम लोग आठवें में, आठवां में देखते हैं क्या कह रहा है साथियों। देखें एक कंसेप्चुअल सवाल है ये, यहां पर दो कथन कथन कारण वाले दिए हैं। आजकल जो है कथन और कारण के सवाल पूछे जाने की ट्रेंड होती जा रही है साथियों, आप लोग मिस ना किया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि साथियों जब तक हम अपना पेशेंस, आजकल बच्चों में जो होती है अपनी पेशेंस खोने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये शॉर्ट वाला रील्स देखते देखते। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर सच में तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस होकर लगना पड़ेगा। क्योंकि साथियों कहीं पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले कहीं से निकलना पड़ता है। तो देखें कथन कारण वाले सवाल आजकल RO, ARO, UPPCS, BPSC जैसे एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं।
तो कथन क्या कह रहा है, कथन कारण को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो कथन कह रहा है कि तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। तो साथियों यहाँ जीव भार दे दिया इसलिए बात सही है, अगर संख्या दे दिया होता तो गलत हो जाता। यानी जीव भार पिरामिड उल्टा होता है, इसका मतलब ऐसे होता है, यानी संख्या तो जो प्राथमिक पोषक तत्व है उनकी संख्या ज्यादा होती है लेकिन उनका भार बहुत कम होता है, इसलिए ऐसा उल्टा होता है। ये बात सही है कथन में। कारण में कह रहा है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम होती है। मैंने पहले बताया उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, कम नहीं होती है, लेकिन बात यह है कि उनका भार इतना कम होता है कि जीव भार में वो उल्टा प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये बातें हमारी गलत हो गई, यहाँ कम नहीं होना चाहिए था। तो केवल ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये डी हमारा सत्य है। आगे बढ़े हम लोग नौ में, तो नौवे में देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर जरूर मार्किंग किया करिए आप लोग, जहां पर भी आपको दिखे नहीं है तो मार्किंग कर लिया करिए, तो जो गलत है उसी को पकड़िए आप। तो आप लोगों को मालूम है विटामिन B12 जो है प्रति आरक्तता जो है कारक होता है इसका, ये तो सही बात है। विटामिन सी जो है की कमी से जो है ये प्रतिस्कर्वी रोग का कारक होता है, ये भी बात सही है। और विटामिन के जो होता है साथियों प्रतिरक्त स्त्रावी वाला जो है रोग का कारक होता है, यानी खून में थक्का नहीं बनता। ये तीनों तो सही है लेकिन गलत पूछा है तो गलत सी वाला है, क्योंकि विटामिन डी में साथियों इसमें रिकेट्स नामक बच्चों बीमारी होती है हड्डियों से संबंधित, और बंध्यता रोधी कारक नहीं है। बंध्यता रोधी जो कारक रोग होता है इसका विटामिन ई से ई के कमी के कारण होता है, डी कमी कारण रिकेट्स होती है। तो आप लोग ये समझ गए। तो चलते हैं हम लोग दसवें में, देखते हैं दसवें में क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो साथियों दसवें में कह रहा है, सिंपल सा सवाल है, फैक्चुअल सवाल, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये कह रहा है भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र पूछ रहा है साथियों, तो जैव भौगोलिक क्षेत्र में आप लोगों को मालूम होगा कि अपने भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक यानी बायो जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा, ये होता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, सर ये 15 क्या है, हम 15 भी बहुत देखे हैं। तो ये 15 क्या है साथियों, 15 हमारे जो है यह कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये 15 क्या हो गया, कृषि जलवायु क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र हो गया। तो याद रखिएगा इन दोनों को, फिलहाल 10 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10 होगा। 11वां में हम लोग देखते हैं, अगर जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, यानी पूछ रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जो 2024 में एक योजना चलाई, उस योजना का नाम है रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना। श्री अन्न का मतलब ये होता है साथियों मोटा अनाज होता है, तो रानी दुर्गावती मोटा अनाज प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। तो साथियों ये किया मध्य प्रदेश के सीएम ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसमें जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार बाजरा ये सब उगाने को प्रोत्साहन, जो उगाएगा उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो इसके लिए है। आगे देखें हम लोग 12वें में, तो देखें साथियों 12वें में हमसे कह रहा है कि दो कथन है, कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो पहला है साथियों भारत में हाथी परियोजना जो है इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, जी बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है। और दूसरा जब पढ़ेंगे तो कह रहा है भारत में कुल 35 हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं, तो 35 नहीं साथियों, 35 नहीं है, 35 गलत दिया, 33 हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं। तो ये दो वाला हमारा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का हमारा ए। आगे देखें हम लोग 13 में, 13 में साथियों कह रहा है ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला, याद रखिएगा महिला वर्ग विजेता एलेना, यानी महिला कौन जीती थी, उनका नाम था एलेना रिबाकीना का संबंध किस देश से है। तो यही पूछ रहा है आपसे, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला वर्ग की जो विजेता थी एलेना रबाकीना, उनका संबंध किस देश से है। तो साथियों इनका संबंध जो है विजेता थी ये कजाकिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो उप विजेता थी साथियों वो बुल्गारिया से थी, जो उप विजेता थी वो बुल्गारिया से थी,
उनका नाम था वो आर्याना करके, उनका नाम था आर्याना, वो बुल्गारिया से थी, उप विजेता थी। आगे चले हम लोग, 14 में देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी प्लांट हार्मोन कौन सा है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, ये साइटोकाइनिन, यह पौधों में जो है विभाजन कार्य करता है, उसमें वृद्धि भी लाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये पादप हार्मोन है। इसके साथ साथ साथियों आप लोग और देखे होंगे, जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, ये सब जो है पादप हार्मोन होते हैं। तो आप लोग इसके बारे में पता होता है कि जिबरलिन जो है ये बढ़ाने का काम करता है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। एब्सिसिक जो है पौधों की वृद्धि रोकने में काम आता है। तो ऐसे ऐसे इसका काम होता है। तो आप विकल्प डी जो है ये प्लांट हार्मोन है, बाकी ये जो है यह मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर देखें 15 वाला सवाल बहुत बेहतरीन है हमारा। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में माइक बोलते हैं, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही MIC माइक, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, यह जो है दिसंबर 1984 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, इसी गैस के लीकेज से हुई थी, जो हजारों लोगों की जान गई थी। तो इसका केमिकल फार्मूला आपसे पूछ रहा है, केमिकल फार्मूला इसका क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसका जो केमिकल फार्मूला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको अलग से लिख दिया है, अगर सही से लिखा जाए तो एक मेथिल हो जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, अगले ऑक्सीजन से CN जुड़ा होगा, साइनाइड। तो इसका सही फॉर्म ये है। तो आगे चले हम लोग, 16 में देखते हैं क्या है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं जो है उसी को पकड़ना है, तीन सुमेलित हैं सही हैं और एक है चौथा वो गलत है, तो उसी गलत को पकड़ना है। यहाँ पर कुछ साथियों स्थल दिए गए हैं, पिचौरम मैंग्रोव, नंदा झील, पालावेंट लैंड और कांजली झील, ये सब के सब स्थल साथियों रामसर स्थल में दर्ज हैं, शामिल हैं। और दूसरी बात, दूसरी तरफ इनका एक जिला दिया है, कहाँ पर है ये, राज्य दिया है, सॉरी राज्य दिया है, तो एक गड़बड़ है उसी को बताना है। तो कांजली झील साथियों ये जो है पंजाब में है, उत्तराखंड में नहीं है। तो यहाँ पर कहाँ है ये, पंजाब में, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में नहीं है। बाकी सब सही है, पिचौरम मैंग्रोव तमिलनाडु, नंदा झील गोवा और पाला वेटलैंड मिजोरम में। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा, कांजली झील पंजाब में है। आगे हम लोग देखते हैं अब 17 में। तो 17 में साथियों एक बेहतरीन प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्र आप लोग पढ़े हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में बहुत सारे चक्र पढ़े होंगे, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। तो कह रहा है किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। आप लोग को मालूम होगा साथियों फास्फोरस जो है, फास्फोरस चक्र में ऐसा होता है, जो चट्टाने होती हैं उसमें से फास्फोरस के रूप में फास्फेट निकलता है, तो वही फास्फोरस का स्रोत होता है, चट्टानों से जो पाया जाता है। तो विकल्प बी हो जाएगा हमारा, फास्फोरस चक्र में ऐसा होता है। 18 में अगर हम लोग देखें, 18 में क्या कह रहा है हमें, तो 18वें में साथियों हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में बुकर पुरस्कार, कौन सा बुकर पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किस कृति को प्रदान किया गया है। तो बुकर पुरस्कार कृति पूछ रहा है, कौन सी रचना, तो ये प्रदान किया गया है प्रॉफिट सॉन्ग को। प्रॉफिट सॉन्ग एक कृति है, इसी कृति को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए यह कृति पुरस्कार दिया गया। तो विकल्प ए सही होगा। तो अब थोड़ा सा अब ये जानना है ये इसके लेखक कौन है। तो आयरलैंड के एक लेखक हैं, पॉल लिंच, इनकी एक रचना है प्रॉफिट सॉन्ग, इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। आगे देखें हम लोग, देखें 19 वाले में क्या दिया है हमको। 19 वाले में हमसे पूछ रहा है ODOP संबंधित है, वो एक जिला एक उत्पाद से संबंधित सवाल है। तो
इसी से संबंधित हमें बताना है। थोड़ा सा हम लोग सेट करें इसको। तो यहाँ पर देखें हैं ODOP संबंधित है, एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो गलत सुमेलित है उसी को हमें सबसे पहले बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें ए जो है हमारा ए दिया है, कह रहा है सहारनपुर। सहारनपुर में ये लकड़ी पर नक्काशी बनाई जाती है, तो वहां पर उसके लिए यह जिला ये उत्पाद के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये सही है हमारा। और सुल्तानपुर में मंजू उत्पादन, ये भी सही है। मैनपुरी कह रहा है लौह कला, तो नहीं साथियों, मैनपुर में ये तारकशी जो कला है वो होती है, लौह कला नहीं होती है, ये गलत है। तो लौह कला जो होती है साथियों हमारा ये शामली में है, शामली जानते हैं सबसे पश्चिमी जिला में है ये, तो शामली लौह कला के लिए है। और मैनपुरी में तारकशी है, तारकशी, तो ये हो जाएगा हमारा। और संभल में जानते हैं सींग और जानवरों के सींग और हड्डियों से जो उत्पाद बनते हैं संभल में, तो विकल्प यहाँ सी गलत था। तो 20 वाले में हम लोग देखते हैं, 20 वाले में क्या है, एक तरफ हमें दिया है फसल और दूसरी तरफ दिया है उस फसल से संबंधित कौन सा रोग होता है वो दिया है। तो अगर आप लोग गांव के होंगे तो इसे अच्छी तरह समझ लेंगे। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है धान में हरित बाल रोग होता है। तो साथियों यही गलत है सीधा सीधा, क्योंकि ये हरित बाल जो ये रोग होता है साथियों, ये धान में नहीं होता है बल्कि यह बाजरे में होता है। तो बाजरे में आप लोग देखते हो बाजरे की जैसे ये बाली हो जाती है, जैसे ये बाजरा का पौधा हो गया और इसमें जो ये बाली लगती है, इस बाली में हरे हरे पत्ते उगाते हैं और झाड़ू जैसी हो जाती है, तो इसी को हरित बाली रोग बोला जाता है। तो ये धान में नहीं बल्कि बाजरे से संबंधित है, तो यही गलत है हमारा, बाकी सब सही है। ये बाजरा जो है अरगट से संबंधित है, मटर ये बुकनी से संबंधित है, और चना जो है उकठा रोग से संबंधित है, ये सब सही है। गलत एक था, धान हरित बाल से नहीं बल्कि ये बाजरा से है, बाजरे से। आगे हम लोग देखें 21 में क्या कह रहा है हमें। 21 में साथियों में बहुत बढ़िया सवाल है, नीति आयोग के रिपोर्ट से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1921 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी निर्धनता अनुपात वाले निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में बताना है। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट में जो पाया गया है 2019-21 वाली रिपोर्ट में, तो कह रहा है कि किसमें गरीबी, यानी मल्टी डायमेंशनल गरीबी की बात कर रहा है। गरीबी एक तो गरीबी आप लोग जानते हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं वो गरीब होते हैं, और मल्टी डायमेंशनल गरीब क्या होते हैं, जो अपने बहुत सी अन्य समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, इन सभी समस्याओं से जो जूझते रहते हैं वो मल्टी डायमेंशनल गरीबी के अंतर्गत आता है। तो उसके नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सबसे टॉप पर ये ये बहुआयामी गरीबी जो है वो बहराइच में है, लगभग 56%। तो बहराइच के बाद साथियों ये हमारा जो है सबसे, ये 56% तो बहराइच में हो गया। इसके बाद जो हमारा ये आया है ये बलरामपुर आया है, तो विकल्प में दो हमारा ये बलरामपुर हो जाएगा, तो श्रावस्ती होगा शायद, श्रावस्ती, हाँ सॉरी, तो ये 50% लगभग श्रावस्ती में है। और उसके बाद जो है बलरामपुर, फिर बदायूं, तो बदायूं यानी चौथा सबसे अंत पे होना चाहिए और तीन सबसे पहले होना चाहिए, तो तीन सबसे पहले, चौथा ये, उसके बाद हमारा हो जाएगा दो। तो विकल्प डी हमारा सत्य है, यही हमारा सत्य होगा, आप विकल्प नंबर डी। आगे चले हम लोग 22 में देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2023 में किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों भारतीय दो ऐसे भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनको अमेरिका का, यानी जो बाइडन ने उनको अपना अमेरिका का सर्वोच्च जो है पुरस्कार दिया, तो वो हैं अशोक और सुरेश, नाम याद रखिएगा, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, विकल्प नंबर डी। और 23वां का हमारा जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जनपदों में और उसके मुख्यालयों के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के हमारे जिले हैं
और दूसरी तरफ उसके मुख्यालय हैं, और जो सही नहीं है उसी को पकड़िए आप। तो याद रहेगा, पकड़ लेंगे तो साथियों देखो, कानपुर नगर का कानपुर है मुख्यालय, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, ये तो जानते हैं, और अमेठी का साथियों उरई नहीं है, यह अमेठी का गौरीगंज होगा, गौरीगंज, तो ये हमारा सही होगा। और जो उरई आप लोग देखते होंगे, उरई कहाँ का है, ये जालौन का मुख्यालय है, जालौन जो जिला है, तो ये जालौन का मुख्यालय उरई है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये हमारा उत्तर क्या हुआ, डी होगा। तो 24 में हम लोग देखते हैं क्या है, कह रहा है कि 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त करने वाला रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, वो कहाँ स्थित है। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा 2022 में जो है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है एक टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, चित्रकूट। ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, कह रहा है रानीपुर, तो रानी का चित्र बनाया जाएगा, तो इसी से याद रखिएगा रानी चित्र, तो ये चित्रकूट से संबंधित है। आगे देखें 25वें में, हम देखें 25वें में हमारा एक जो डाटा से संबंधित सवाल है बहुत बेहतरीन, इसमें कह रहा है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, यानी जो भारत में खाद्यान्न उत्पादन है उत्तर प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है, उस पर दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो पहला आप लोग जब पढ़ेंगे साथियों, तो कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में द्वितीय स्थान पर है, तो गलत है साथियों, एक बिल्कुल गलत सूचना है, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, फर्स्ट, तो याद रखिएगा ये गलत हो गया हमारा। और जो है यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का चावल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, गलत साथियों, चावल के मामले में उत्तर प्रदेश जो है यह द्वितीय स्थान रखता है, जबकि प्रथम जो है पश्चिम बंगाल है, तो ये हमारा जो है याद, ये भी गलत हो गया, जबकि गेहूं कह रहा है द्वितीय, गेहूं भी पहला है साथियों, तो ये हमारा जो है गलत हो गया, दोनों के दोनों कथन गलत हैं। तो क्यों गलत हुआ, मैंने आपको बता दिया खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश पहला है और चावल उत्पादन में दूसरा है, तो यहां पर सही पूछा है, तो सही कोई भी नहीं है, डी होगा। तो यहां पर साथियों एक देखिए, हमसे किताबों से संबंधित पुस्तक है, कह रहा है कौन लेखक नहीं है, तो अगर आप लोग ये कभी पढ़े होंगे अब्दुल कलाम आजाद पर जो पुस्तक लिखी गई है, तो इसको आप कर ले जाएंगे, बाकी आपको आता हो या नहीं आता हो, जो चर्चा में रहती है वही आपसे जानना चाहता है क्या बच्चा इसको पकड़ पा रहा है कि नहीं, तो पुस्तक है एक तरफ लेखक हैं। तो अभी एक जो पुस्तक आई थी एपीजे अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाइज, तो मेमोरीज नेवर डाइज ये कह रहा है संजीव सन्याल ने लिखा है, तो नहीं साथियों यह गलत है, यह अब्दुल कलाम अबुल एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार के ही एक लोग हैं, वही इसको लिखे हैं, मेमोरीज नेवर डाइज, तो इसका हमारा किसने लिखा है, नजीमा एपीजेएम करके, उनका नजीमा करके नाम है, नजीमा, तो वही इसको लिखे हैं, तो नजीमा मरेक्यार और एक राजन भी उनके साथ, कुछ और एक लोग और थे राजन नाम के, तो ये गलत हो गया, तो बाकी सब सही होंगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा और यही हमारा उत्तर होगा डी वाला। आगे देखें हम लोग 27 में, तो 27 में साथियों ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, तो नगरीकरण वक्र मतलब होता क्या है ये समझिए, जैसे नगरों में जो परिवर्तन देखा जाता है एक समय से दूसरे समय के बीच जो परिवर्तन देखा जाता है, तो उस परिवर्तन को ही नगरीकरण वक्र कहा जाता है, तो कह रहा है कि त्वरित अवस्था कहा जाता है, तो द्वितीय अवस्था को नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, विकल्प बी हो जाएगा, द्वितीय। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, तो ये 22 जनवरी 1947 को, विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, और इसको पेश कौन किए थे, तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया था संविधान में, और आगे चलकर यही प्रस्तावना का रूप ले लिया, तो
तो विकल्प बी हमारा सत्य होगा। आगे चले हम लोग 29 में, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा पूछ रहा है साथियों, इसको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर आप यूपी का मैप जरा सा भी जानते होंगे तो पहला जब पढ़ेंगे, कह रहा है नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार के साथ लगती है। तो साथियों सीधी सीधी बात गलत हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब नेपाल के साथ लगते हैं। मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है, ये कहां से लगेगा? तो सीधी बात, ये गलत हो गया आपका विकल्प। और जबकि भूटान, भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ये बात बिल्कुल सही है, दो वाला सही है। क्योंकि आप लोग देखेंगे जहां हमारा भूटान है, तो भूटान जो है पश्चिम बंगाल और ये जो असम के ऊपर ऐसे बैठा है, और अरुणाचल प्रदेश इधर से घेरा है, और जो है सिक्किम जो है इधर से घेरा है। तो चार यही इसके साथ उभयनिष्ठ सीमा लगाते हैं ये जो भूटान के साथ। तो आगे देखें हम लोग, ये दो वाला हमारा केवल सही है। तो विकल्प हम देखते हैं अगले पेज पर, तो अगले पेज पर हमारा जो विकल्प होगा केवल दो सही है। आगे देख लेते हैं 30 में, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है उसे पकड़िए आप, जो सही सुमेलित है 30 वाले में। तो क्या हमारा सही सुमेलित है इसे बताना है। तो ए में कह रहा है आपसे चाज यानी चाज है दोआब, चाज दोआब चिनाब तथा ब्यास के मध्य है। तो नहीं साथियों, चिनाब यहाँ नाम में ही लगा है, जैसे चिनाब हो गया और जैसे झेलम हो गया, तो चिनाब और झेलम नदी के मध्य हो गया। तो ये झेलम नदी के मध्य हो गया, तो ये तो हमारा जो है ये गलत हो गया। लेकिन हमसे सही पूछा है कौन सा सही है, तो सही वाला देखते हैं। यहाँ पर एक दिया है ये सी में हमारा, रचना दोआब, रचना दोआब साथियों रावी तथा चिनाब के मध्य स्थित है, यही हमारा सही है और बाकी सब गलत हैं। अब जो यहाँ पर एक हमें और दे दिया है बारी दोआब, तो ये बारी दोआब साथियों जो है हमारा ये रावी तथा ब्यास के मध्य स्थित है, तो सिंधु नहीं होगा, रावी और ब्यास, ब्यास के मध्य स्थित है। और ये बिष्ट दोआब जो दे दिया है, बिष्ट दोआब कहाँ है? ब्यास और सतलज के मध्य, तो रावी नहीं, यहाँ ब्यास होगा, ब्यास और सतलज के मध्य है। तो सारी चीजों को याद कर लीजिए, इन दोआबों को मैंने लिख दिया है। फिर से देखते हैं अगला 31 वाले में, कह रहा है 2021-22 में भारत के व्यापार यानी आयात निर्यात का सबसे बड़ा सहभागीदार निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन है? तो साथियों अगर कोई देश स्पेसिफिक पूछा होता तब तो आपको कंफ्यूजन रहता कि हाँ या तो चाइना होगा या तो अमेरिका होगा, इन्हीं दोनों में से आप कोई लगा देते। लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट पूछ दिया है महाद्वीप, तो सीधी सी बात महाद्वीप में साथियों एशिया ही आएगा। भारत के साथ सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार एशिया ही होता है, तो भारत एशिया का हिस्सा भी है इसलिए। चले हम अगला देखते हैं 32, कौन सा सही है कथन? तो दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को आपको पढ़ना है और पढ़कर सही उत्तर देना है। तो भारत में कह रहा है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। तो जो इंडिया ईयरबुक 2021 वाला डाटा आया था उसके हिसाब से तो ये सही बात है, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में है, ये बात सही है। और कह रहा है अभ्रक का सर्वाधिक भंडार, अभ्रक के यहाँ पर पहले जान लीजिए, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन तो राजस्थान में है, लेकिन दूसरे नंबर पर ये आंध्र प्रदेश है, ANDE में लिख दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश। और भंडारण के मामले में जब आती है तो उल्टा हो जाता है, भंडारण के मामले में ये आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, ANDE आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, और इसके बाद जो है अन्य जो है आते हैं, जैसे राजस्थान दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो ये हमारा दूसरा वाला गलत हो गया, तो सर्वाधिक भंडारण आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में नहीं है, तो हमारा केवल बी हो जाएगा उत्तर यहाँ पर 32 का बी। 33 में हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पर हमारा जो 33 वाला सवाल है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो जो सही होगा उसी को बताना है विकल्प में। तो पहला आप जब पढ़ेंगे तो कह रहा है भारत में मेघालय
शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मेघालय शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों। तो भारत में कर्नाटक साथियों सबसे बड़ा शहतूत उत्पादन का है, शहतूत रेशम का उत्पादन सबसे बड़ा कर्नाटक है, मेघालय नहीं है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो दो वाला जब पढ़ते हैं, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है। तो ये हमारा हो गया, सही बात है ये। तो भारत में असम एरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों जो ये दिया है तीसरा वाला, तीसरा वाले में भी हमारा ये गलत है। तो असम जो है, तो ये सच है साथियों, ये सही है। असम असम जो है एरी रेशम और मूंगा रेशम, यहाँ जो मूंगा रेशम दिया है, इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये तीसरा वाला हमारा सही है। और यहाँ चौथा दे दिया, कर्नाटक मूंगा का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंने पहले बताया मूंगा का सबसे बड़ा उत्पादन ये असम में ही है, एरी और मूंगा का। तो ये गलत हो गया चौथा अपने आप। तो हमारा एक और चार गलत हो जाएगा। तो केवल कौन सा सही होगा, हमारा सही पूछा है तो सही के मामले में हमारा दो और तीन होगा, विकल्प नंबर डी। आगे देखते हैं हम लोग 34 में। इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सहायता करके सही उत्तर दीजिए। कथन पढ़िए, कारण पढ़िए। कथन में कह रहा है भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन यानी माइग्रेशन सर्वाधिक है। तो साथियों गलत है। आप लोग को मालूम है हमारे एक तरफ जैसे सिटी है और दूसरी तरफ गांव है। तो गांव में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और गांव से जो दिया है भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी माइग्रेशन सर्वाधिक है, तो ये गलत है। ग्राम से ग्रामीण से ग्रामीण सर्वाधिक माइग्रेशन होता है, यानी ग्रामीण से माइग्रेशन कई तरह से हो सकता है, शहरों से गांव में, गांव से शहरों में, गांव से गांव में, शहर से शहर में। लेकिन जो सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है वह ग्रामीण से ग्रामीण होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है ग्रामीण में जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है, और निवास करती है तो ग्राम जो गांव की शादियां होती हैं तो ज्यादातर गांव में ही होती हैं। तो महिलाओं का आप लोग एक सबसे बड़ा कारण है, महिलाएं एक स्थान से, एक गांव से दूसरे गांव में निवास, उनका माइग्रेशन तेजी से होता है इसलिए। तो भारत में जनसंख्या ग्रामीण से ग्रामीण सर्वाधिक प्रयोजन है, ग्रामीण से शहरी नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रयोजन मुख्यतः महिला प्रयोजन है, मैंने पहले बताया महिलाओं की शादी संबंधी, इसीलिए। तो ये आर हमारा सही है। तो 35 में हमारा क्या हो जाएगा, एक गलत आर सही डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम लोग क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 के विजेता किस विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। तो अमृतसर में एक विश्वविद्यालय है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, तो वही ने घोषित किया है। क्या घोषित किया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। आगे देखें हम लोग 36 में क्या है, इसमें कह रहा है हमसे एक तरफ, साथ ही उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, एक तरफ हमसे दिया है सूची एक में संविधान के भाग दिए गए हैं, सूची दो में उससे संबंधित विषय दिए गए हैं, तो उसी संबंधित हमें मिलाना है। तो देखें हम लोग मिलाएं कैसे उसको, तो मिलाएंगे तो बड़े आसानी से हम लोग मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ भाग 18 दिया है, हमें भाग 18 मालूम है, ऐसे 18 ऐसे आपातकाल, भाग 18वां जो है आपातकाल से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। और संविधान भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, ये दो पर चला आएगा। और हमें पता है 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है, और भाग ये जो यहाँ पर ये क्या है, संविधान का भाग जो है 14 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ये एक ही बचा है, तो यहाँ चला आएगा। तो ये हमारा डी पर आएगा, ए हमारा 4 पर आएगा, डी हमारा 1 पर जाएगा। तो ए 4 पर, बी 1 पर, तो हमारा यानी उत्तर हुआ बी हो जाएगा ये वाला। आगे चले हम लोग 37 में देखते हैं। 37 में साथियों कह रहा है भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो विकल्प नंबर अपना ये डी हो जाएगा 37वें का, ये हमारा जो उत्तर है वो डी हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो हमारा दूध उत्पादन है जो है
वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, ऐसे करके है। तो आगे बढ़े हम लोग, ये 38 में क्या है हमारा। तो देखें 38 वाला सवाल हमारा ये मस्त है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में अभी पिछले दिनों में रहा है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही कथन को पूछ रहा है, गलत को नहीं पूछ रहा है। तो एक पहला दिया है, कह रहा है मीठी वृद्धि परमाणु शक्ति केंद्र, कौन सा मीठी वृद्धि परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में प्रस्तावित था। अगर है दिख दिया होता तो गलत हो जाता। ये मीठी वृद्धि परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में प्रस्तावित था, लेकिन फिर इसे जो है तेलंगाना में जो है प्रस्तावित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये हमारा सही है पहला वाला, ये तो सही हो गया हमारा। अब जो है हमारा ये दूसरा अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो दूसरा वाले में साथियों कह रहा है ये कोवड परमाणु शक्ति केंद्र तेलंगाना राज्य में प्रस्तावित है। तो नहीं साथियों, तेलंगाना में नहीं है, ये गलत हो गया। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में स्थापित है। तो नहीं साथियों, ये ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये गुजरात में नहीं, बल्कि यह देख रहे हैं ग से ग्वाल और जो है ग से और कौन आता है, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है, यह हरियाणा में है। तो यह हरियाणा में है, गुरुग्राम में। तो ये भी गलत हो गया। तो चमेरा जलीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित, ये बात सही है। तो ये दोनों गलत हैं, एक और चार सही है हमारा। तो विकल्प हम लोग ढूंढे कहाँ है हमारा विकल्प, ए वाला हमारा सही होगा, ए और चार सही है। तो 39 हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है इंडियन पॉलिटी से। सूची एक में कुछ हमें अनुसूची दिया है और सूची दो में हमें उससे संबंधित कुछ विषय दिए हुए हैं। तो हमें उसको मैच कराकर अपने विकल्प में हमें सेट जो बन रहा है उसको मिला देना हो। तो हमें मालूम है साथियों दसवीं अनुसूची, दस से दसवीं अनुसूची और दस से दल बदल। तो दसवीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है, जो दल बदलते रहते हैं नेता लोग, हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं, उससे संबंधित है। और नौवीं अनुसूची में मालूम है साथियों जिन विषयों को हम का वो जो है कोर्ट से बचना चाहते हैं तो उनको हम नौवीं अनुसूची में डाल देते हैं, तो ये इससे संबंधित आ जाएगा। और आठवीं अनुसूची हमें पता है जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उसे हम आठवीं अनुसूची में, संविधान द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त होती है वो आठवीं सूची में होते हैं। इस समय कुल 22 भाषाएं हैं, तो ये आ जाएगा। और सातवीं सूची में ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। तो हमारा कहाँ हो जाएगा, ए वाला आ जाएगा 3 पर, बी वाला 1 पर। तो ए कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, या तो ये होगा हमारा या तो ये उत्तर होगा, ये तो नहीं हो सकते। और सी वाला हमारा 4 पे जाएगा, तो सी वाला 4 पे जाएगा, तो सी वाला 4 पे यहाँ है, तो विकल्प सी हमारा सही बन रहा है, सी वाला उत्तर होगा। तो आगे बढ़े हम लोग 40 में, देखते हैं क्या है। तो 40 में साथियों हमारा ये है उत्तर, जनगणना से संबंधित सवाल है ये। इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना जो है उससे संदर्भ में कथन दिए गए और कौन सा सही नहीं है, इसी को पकड़िए आप। तो आपको चाहे आता हो या न आता हो, एक चीज आपको अगर आता होगा तो पकड़ ले जाएंगे। कह रहा है सिक्किम देश का सबसे विरल बसा हुआ राज्य है। तो साथियों सिक्किम नहीं, यह अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे विरल बसा हुआ है, यानी इसके क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये आला यहाँ पर यही गलत है, तो यही गलत को आप बता देना। अब ऊपर आपको चाहे आता हो या न आता हो, यानी अब ये क्लियर हो गया कि ऊपर सब सही हैं, गलत यही नीचे वाला होगा। तो यही सिक्किम देश का सबसे विरल राज्य नहीं है, बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुण मैं लिख दिया है, इसे समझ जाइएगा अरुणाचल प्रदेश है, तो ये समझ जाइएगा। और आप लोग अगर देखेंगे ए का, कह रहा है भारत जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यस, ये बात सत्य है, भारत के जनसंख्या घनत्व पढ़े होंगे तो ये बात सही है, यानी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के लगभग क्षेत्र में 382 व्यक्ति रहते हैं, इसी को कहा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बी वाले में कह रहा है बिहार भारत की सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, ये भी बात सही है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व से दुगने से अधिक है, जी मेरे भाई सही है।
तो आप लोगों को पहले बताया भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 है। देख रहे हैं यहाँ दुगने से भी अधिक है उत्तर प्रदेश का। तो ये तीनों बातें ऊपर के सही हैं, ये डी वाला गलत है हमारा। तो 41 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। तो ये उत्तर प्रदेश का केवल पूछ रहा है, अगर आपसे यही पूछता कि किस राज्य के यानी किस शहर को सबसे पहले सोलर सिटी जो है विकसित किया गया, तो इसका उत्तर अलग हो जाता। तो इसका उत्तर होता साथियों अभी मध्य प्रदेश का एक सांची शहर है, सांची, तो उसको देश का पहला सोलर सिटी जो है घोषित किया गया है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन होगा जिसे हम लोग सोलर सिटी विकसित करने जा रहे हैं, तो वो है अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये उत्तर हो जाएगा अयोध्या को। तो अयोध्या में यहाँ पर जो 40 मेगावाट की जो है यह संयंत्र लगाने जा रहा है, कौन ये काम करेगा, एनटीपीसी काम कर रहा है। एनटीपीसी यानी जो सोलर सिटी विकसित करने का ठेका लिया है, एनटीपीसी ने लिया है। तो 40 मेगावाट का यहाँ पर एक यमुना नदी के तट पर जो है वो लगेगा। तो आगे चले सरयू नदी पर, सॉरी सरयू नदी पर आगे देखें हम लोग। 42 में देखते हैं क्या है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक सकल लंबाई पाई जाती है। तो पहले आपको मालूम होगा ये डाटा, आपको अभी अभी पिछले साल का ही डाटा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है एक सकल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग, तो जो नेशनल हाईवे हैं उनकी लंबाई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की है, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर। 43 देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर साथियों 43 में हमें दिया है फैक्चुअल सवाल है, इन्हीं को हमें बताना है सही सुमेलित को। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, मालूम है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में कहाँ है, ये वाराणसी में है, जो सभी को मालूम है यहाँ पर लोकोमोटिव इंजन यहाँ पर बनते हैं, तो ये सही है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह पेरम्बूर में है। पेरम्बूर कहाँ है साथियों, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, ये यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेरम्बूर में है, ये भी बात सही है यहाँ पर। और अगला देखें हम लोग, कह रहा है इसमें रेल व्हील फैक्ट्री, तो रेल व्हील फैक्ट्री जो है साथियों यह बंगलुरु में है, अहमदाबाद में नहीं है, ये कहाँ है, बंगलुरु में। तो ये गलत हो गया हमारा, रेल कोच फैक्ट्री दिया है लखनऊ में, तो नहीं भाई कपूरथला में है, लखनऊ नहीं है, कपूरथला में है, ये भी गलत हो गया हमारा। एक और दो केवल सत्य हैं, बाकी सब गलत हैं। 44 में देखें, भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई। तो 2000 कह रहा है आपसे, ये जानना चाह रहा है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी थी, तो वही आपसे जानना चाह रहा है। तो साथियों सबसे ज्यादा मेघालय में बढ़ी थी, 27% लगभग मेघालय में, विकल्प नंबर ये हो जाएगा, लगभग 27% 10 सालों में बढ़ी थी वहां की जनसंख्या, तो ये हो जाएगा ये। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर मणिपुर, तो यहाँ डी हमारा पहला होगा। तो यहाँ देखें हम लोग अपना पहला सवाल, ये 45 वाले में कथन कारण वाले हैं, कथन पढ़िए कारण पढ़िए सही उत्तर दीजिए। तो कह रहा है मानव विकास सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों में वरीयता में ऋणात्मक संबंध है। तो साथियों यहाँ पर जो है हमारा ये जो 45वें का उत्तर होगा हमारा, ये पहला जो विकल्प दिया है, तो ये गलत है हमारा, ऋणात्मक संबंध नहीं है, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर SDG लक्ष्यों के आधार आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य घनिष्ठता संबंध होते हैं, घनिष्ठता के साथ अंतर संबंध है, ये बात सही है कारण वाला हमारा। तो ए हमारा गलत हुआ, आर सही हुआ, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 46 में, तो 46 में हमारा क्या कह रहा है यहाँ,
कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का पुरस्कार प्रदान हुआ? तो किस श्रेणी को पुरस्कार प्रदान मिला साथियों? तो चिल्ड्रेन ऑफ नोमडी, ऑप्शन नंबर ए यही उत्तर है। और देखें 47 में क्या कह रहा है, 47 में कह रहा है 200 सूची दिया है यहाँ पर, और इन्हीं सूची को मिलाकर हमें अपना विकल्प सेट करना है। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपसे ये जानना चाह रहा है गोईपोरिया समिति। तो गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है, तो कहाँ है ये, बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। और नाननूज दप्पा समिति, तो ये किससे संबंधित है, रेलवे किराया से संबंधित है, ये कहाँ है, रेलवे किराया से, ये दो पर आएगा। रंगराजन समिति, ये बहुत ही प्रचलित समिति है, आप लोग जानते होंगे भुगतान संतुलन के बारे में थी ये। और एक बचा है ये, तो यही आएगा रेखी समिति यहाँ पर। तो इस हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा हमारा कौन सा विकल्प तैयार हो रहा है, मैंने आपको डाटा दे दिया है। तो ए 3 पर आएगा, बी 2 पर और डी 4 पर। तो मिला लीजिएगा आप लोग, आगे देखते हैं हम लोग। 48 में क्या है, कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में दो विकल्प है, उन्हीं में से कौन सा सही है इसे बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है, कह रहा है जो है शक संवत पर आधारित है। तो साथियों ये 48 का जो हमारा ये जो पहला कथन है ये सही है, तो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग हमारा, ये सही है। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो ये बात जो है साथियों हमारी गलत है। क्यों क्यों गलत है, ये 48वां का दूसरा। तो इस हिसाब से हमारा 48 का उत्तर कौन होगा, पहले तो उत्तर तो ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा एक ही और पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। और ये जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, तो इसलिए यह दो गलत है, केवल ये सही होगा। 49 में भारती कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में 16 से 2020 में जीवन प्रत्याशा वर्ष में क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अभी डाटा आया था, तो 2016 से 2020 के बीच में जीवन प्रत्याशा वर्षों में, तो यानी महिलाओं का कितना जीवन प्रत्याशा है, पुरुषों का कितना है, इसके सिलसिले में आया था। तो 16 से 20 वाले में जो है साथियों, यह पुरुष जीवन प्रत्याशा 68 था और महिला का 71 लगभग था। तो ये कहाँ है, ये डी में है हमारा, ये है। तो 50वां का हम लोग अगर देखें, तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस सेवा का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया साथियों, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन वाली बस साथियों 25 सितंबर को जो है 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आवास और शहरी कार्य मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी थे, तो उनके उन्हीं ने इसका शुभारंभ किया था। और उसमें बताया गया कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके एक सकारात्मक है पहल दिया है, तो ऑप्शन विकल्प डी हमारा सत्य होगा। 51 में क्या है, सही सुमेलित करिए आप लोग इसको, सही सुमेलित से इसको हमें बताना है। पहला में क्या है, आप लोग जब अगर पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है जनश्री बीमा योजना। तो जनश्री बीमा योजना साथियों 10 अगस्त 2000 को प्रारंभ किया गया था, तो ये बात सही है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन साथियों अप्रैल 2005 में आया था, तो ये गलत हो गया हमारा। और एमजी नरेगा, ये जो नरेगा है ये भी साथियों 2006 में आया था और 2009 में इसे मनरेगा किया गया था, तो ये भी गलत हो गया, ये 2006 में होना चाहिए था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 2005 में होना चाहिए था। और आम आदमी बीमा योजना दिया है 2005 में,
तो ये भी गलत हो गया यहाँ पर। जो आम आदमी बीमा योजना है यह जो है ये भी गलत है। तो हमारा केवल ए सही है, विकल्प नंबर ए। पांचवा 52 वाला देखते हैं हम लोग। बजट अनुमान 2024 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में प्रत्यक्ष करों का अंशदान कितना है? तो साथियों जो 23-24 का डाटा है उसके अनुसार कह रहा है भारत में जो भारत की जो जीडीपी उसमें डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष करों का अंश कितना है लगभग? तो साथियों 6% है। विकल्प नंबर हमारा 52 का सी हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर का 5.1 है, इनडायरेक्ट टैक्स का 5.1, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मिला के 11.1 है। याद रखिएगा इन तीनों डाटा को। 53 में क्या है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो गलत है उसी को पकड़िएगा आप लोग। तो अनुच्छेद 23 आपको मालूम है, यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बालात श्रम से संबंधित यानी फोर्स लेबर को प्रतिबंध करने संबंधित है, ये सही है। अगला देखते हैं अगले पेज पर हम लोग। और अनुच्छेद 24 है, तो आप लोगों को मालूम है जो बालक हैं 14 साल से कम है उनको जो है कारखानों में नियोजित का प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी सही है। लेकिन हमसे गलत पूछा गया है तो गलत जहां आएगा हम उसे पकड़ेंगे। 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यस ये भी बात सही है। और 29 में साथियों कह रहा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 29 में नहीं है, अनुच्छेद 30 में है। तो ये डी वाला हमारा गलत हो गया, डी ही हमारा उत्तर होगा। 54 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान की किस सूची में किया गया है? आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान की समवर्ती सूची में किया गया है साथियों, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके सिलसिले में कानून बना सकती हैं। तो 54 का हमारा जो उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग अब। तो देखते हैं हम लोग अब 55 वाले में। एक तरफ हमें सूची दिया है कुछ जनजातियों संबंधित है और दूसरी तरफ वो कहाँ पाई जाती हैं उसको मिलाना है। तो साथियों टोडा, टोडा जो है ये मेघालय से संबंधित है, टोडा जनजातियाँ ये सही है। और बिरहोर ये झारखंड से संबंधित है हमारा, और लेपचा ये तमिलनाडु से हैं, और गारो ये सिक्किम से हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन, ए 2 पर, बी 3 पर, सी हमारा बनना चाहिए और डी 1 पर। तो सी हमारा सही उत्तर बन सेट बन रहा है ये वाला। 56 में, तो 56 का ये करंट अफेयर साथियों बहुत पुराना दे दिया है, रिलेवेंट नहीं है इस समय के लिए, हम लोग इसको छोड़ते हैं। 57 को देखते हैं। 57 वाले में क्या है, कथन कारण से संबंधित सवाल है, तो बहुत बेहतरीन सवाल है ये, इकोनॉमिक्स का आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। अगर कथन ए में करा है मुद्रा का अवमूल्यन आयात को बढ़ावा देता है, तो आयात को बढ़ावा नहीं साथियों, मुद्रा का, पहले आपको ये जानना होगा मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। जब किसी देश की सरकार अपनी मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का वैल्यू कम कर देता है, मूल्य कम कर देता है जानबूझकर, तो उसे अवमूल्यन कहता है। और जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार के कारण गिर जाता है तो उसे मूल्य ह्रास बोला जाता है। तो अभी जैसे भारत का रुपया गिर रहा है तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार के कारण गिर रहा है। और अवमूल्यन 3 बार अब तक अपने देश में केवल रुपए का अवमूल्यन हुआ है, 1947 में आजादी के बाद, और उसके बाद जब पाकिस्तान चीन से युद्ध हुआ, अकाल हुआ 1966 में, तो 1966 में रुपए का अवमूल्यन हुआ। फिर जब एलपीजी आई थी 1991 में, तब रुपए का अवमूल्यन किया गया। रुपए का अवमूल्यन क्यों किया जाता है, जब हम भारी सामान विदेश को बेचने वाले होते हैं, आर्थिक संकट होता है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयात को घटावा यानी आयात को कम करने के लिए रुपए का अवमूल्यन किया जाता है। तो ये हमारा जो है आयात को बढ़ावा नहीं देता है, आयात को घटावा देता है। तो ये गलत हो गया हमारा ए। इतनी सारी सूचनाएं आप यहाँ पर पा गए। और अगला देखते हैं इसका और सब कहाँ है इसका कथन। यहाँ दिया है अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है, तो ये बात सही है साथियों। रुपए का
अवमूल्यन करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे रुपया की वैल्यू कम होती है और हमारे सामानों उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। तो ये हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, ए गलत है, आर सही है। तो 57 का हमारा उत्तर डी हो जाएगा, यही हमारा 57 का उत्तर डी हो जाएगा, ए गलत आर सही। 58 का देखते हैं, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। अगर आपसे ऐसे पूछे, दो नीतियां होती हैं, एक राजकोषीय नीति एक मौद्रिक नीति, तो राजकोषीय नीति तो गवर्नमेंट बनाती है सरकार, और मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, और आरबीआई में कौन, मौद्रिक नीति समिति, विकल्प बी होगा ये वाला, तो याद रखिएगा ये सब। आगे देखें हम लोग 59 में, 59 में ये आपसे पूछ रहा है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो वित्त आयोग की करते हैं, 5 वर्ष के लिए होती है, अनुच्छेद 280 में आप लोग पढ़े होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की इसके जो है तो प्रधानमंत्री करते हैं, तो यानी दो जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, इसमें दो है, इसमें दो है, ये तो नहीं होगा उत्तर। और संघ राज क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं जैसे केजरीवाल दिल्ली के हो गए, इनको जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं, और जैसे जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होगा मुख्यमंत्री, वहां का भी राष्ट्रपति उसको करेंगे, और पदुच्चेरी हो गया, यानी जहां जहां जो यूटी में विधानसभा है और वहां का जो मुख्यमंत्री होगा उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और जबकि अन्य राज्यों में संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो याद रखिएगा ये तीनों, 1-3 हमारा सही होगा उत्तर ये वाला। तो 60 में हमारा क्या है, किसे वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नॉर्मन अवार्ड, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित स्वाति नायक को किया गया है, विकल्प डी। 61 में देखेंगे अगर हम लोग साथियों, तो 61 में देखें, थोड़ा सा यहां समझेंगे नहीं तो हम फिसल जाएंगे, कोई दम नहीं है, सिर्फ आपको झमेला किया है इतना। कह रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 वाली जो आई थी उसी के संदर्भ में दो कथन दिया है, अब इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें उस सही उत्तर देना है। तो देखें, कह रहा है मिलियन प्लस, मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी 10 लाख से अधिक श्रेणी में इंदौर पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सभी को मालूम है साथियों, पूरे भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में इंदौर को पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ, और कह रहा है मिलियन प्लस में आगरा उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। ये तो भारत में पूरा बात किया, इंदौर जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो आगरा का है साथियों, उत्तर प्रदेश के जो और शहर है, आगरा को सबसे पहला स्थान मिला, ये भी बात सही है, किसमें, मिलियन यानी 10 लाख से अधिक वाले श्रेणी में। तो दोनों के दोनों कथन सही है, सी हमारा उत्तर होगा। तो 62 में हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ कौन सा सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है उसी को पकड़ना है, 3 गलत हैं, 1 सही है, उसी सही को पकड़ना है। तो साथियों देखते हैं हम क्या है हमारा यहाँ, तो यहाँ पहला जब हम लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, यानी ये राष्ट्रीय विषाणु का मतलब यहाँ वायरस हो गया, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कह रहा है नागपुर में है, तो नागपुर में नहीं है साथियों, ये पुणे महाराष्ट्र में है, नागपुर भी महाराष्ट्र में है लेकिन यह पुणे में है। तो ये हमारा गलत हो गया ए वाला, लेकिन हमें सही को पकड़ना, अभी हमें सही नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, ये कहाँ है, नेशनल सेंटर बायोलॉजिकल साइंसेस ये बंगलुरु में है, तो ये बात सही है, बंगलुरु ही दिया है, यानी ये हमारा सही है, उत्तर मिल गया हमें, तो ये सही है हमारा। और सी वाला क्या कह रहा है, बौद्धिक संपदा, अब हमें पता लग गया तो और दो बाकी सब गलते होंगे, तो क्यों गलत हैं इसको देख लें। तो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, तो कह रहा है ये चंडीगढ़ में है, तो साथियों चंडीगढ़ में नहीं है, यह तेलंगाना में एक क्षेत्र है सिकंदराबाद, वहां है, तो तेलंगाना में। तो और यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस कह रहा है दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं साथियों, यह ओडिशा में है। तो फिलहाल आगे देखते हैं, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए, हमें मालूम हमारी आंख का जो लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, इस पार देखेंगे तो उस पार दिखेगा, तो आंख का रोग
यदि हमारा आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, तो उसे साथियों मोतियाबिंद कहा जाता है। विकल्प नंबर ए 63 का हमारा ये उत्तर हमारा ए हो जाएगा, मोतियाबिंद। 64 में क्या है, आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, तो आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, पूंजी निर्माण, तकनीकी उन्नति, उद्यमशीलता, सभी हैं, विकल्प डी हो जाएगा। 65 में जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो साथियों बहुत बेहतरीन सवाल है, इसी पर अभी कुछ दिन पहले बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना ज्ञान दे रहे थे, हालांकि उनका ज्ञान सही था, सिर्फ कहने का तरीका अलग था। तो देखें जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है, तो साथियों जन्म से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, जनसंख्या बढ़ेगी यानी परिवर्तन का मतलब दोनों घट या बढ़ दोनों हो सकता है, मृत्यु होगा तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, प्रवास होगा माइग्रेशन होगा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो जनसंख्या का परिवर्तन प्रवास से नहीं होता है, यही हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। और शिक्षा से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, यानी जन्म से भी जनसंख्या परिवर्तन होगा, मृत्यु से भी जनसंख्या परिवर्तन होगा, शिक्षा से भी होता। अब बात यही शिक्षा की, जो मुख्यमंत्री शिक्षा की बात कर रहे थे, महिला शिक्षा होगी तो क्या होगा, तो सोचिए समाज अगर शिक्षित होगा तो जानबूझकर उसे पता होगा कि बच्चों को पालना पोषना पढ़ाना उनका खर्च ये सब बढ़ जाएगा, तो बच्चे कम होंगे, तो शिक्षित आदमी ये बात अच्छे समझता है, बच्चे दो ही अच्छे हैं, तो ये बात शिक्षा से संबंधित है, तो प्रवास जो हो जाएगा यहाँ पर यह जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है। तो अगला देखें हम लोग, सही उत्तर क्या है हमारा, पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है साथियों, सत्य कथन हमसे पूछ रहा है, तो पोलियो का टीका जो है जोनास साल्क ने ही किया था, ये बात सही है। और कह रहा है पोलियो एक जीवाणु जनित रोग है, साथियों गलत, विषाणु जनित जो रोग है, वायरस वायरस से संबंधित बीमारी है पोलियो, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है हमारा, ये भी बात सही है, तो केवल दो गलत है, जिसमें दो होगा उसको काट दीजिए और जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 67 में किस तिथि को 2,000 रुपए वाली जो नोट है उसका संचालन को वापस लेने की घोषणा हुई थी, तो साथियों 19 मई 2023 को ये 2,000 नोट जो है उसे वापस लेने यानी एक तरह से कहते हैं बंद करने की घोषणा हुई थी, और ये जो दूसरा डेट है 23 सितंबर 2023 इस डेट तक बदले जाने की घोषणा थी, यानी 2,000 नोट की जिसके पास रही होगी इस डेट को घोषणा हुआ कि हाँ बंद करेंगे और इस डेट तक हम बैंकों में नोट लेंगे, उसके बाद नोट जिसका रखा होगा वो कागज बन जाएगा, नहीं बदला जा सकता, तो ए उत्तर होगा। भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो भारतीय मानक यामोत्तर हो वो कहाँ से नहीं गुजरती हमें मालूम है, यह 82.5 डिग्री से गुजरती है, ये जो भारतीय मानक यामोत्तर भारत से, तो 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, और मैंने क्या बताया ओडिशा ओडी लिख दिया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ANDE लिख दिया, तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं आया, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, इन्हीं 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री। तो भारत में कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य का दल है कम से कम, तो कह रहा है ऐसा कौन सा, मतलब तीन चार विकल्प दिए, उन्हीं विकल्पों में से ढूंढ कर बताना है आपको, तो भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तर का दल होना चाहिए, तो साथियों 4 राज्यों में, विकल्प बी हो जाएगा बी। तो साथियों हम लोग यहाँ पर लगभग आधा क्वेश्चन देख लिए हैं, 150 प्रश्नों की हमारी टेस्ट सीरीज थी और लगभग आधा प्रश्न हम लोग देख लिए हैं, बाकी आधा जो प्रश्न है हम लोग वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों, हम चीजों को बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करते हैं, आपका जो डाउट होता है क्लियर करने का, विकल्प को जो है
वो उसको डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हम लोग अब इसको आधा जो बचा हुआ है इसको पार्ट टू में देखेंगे अपने इस दूसरे लेक्चर में, जस्ट इसी के बाद अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।